हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जिगर के टुकड़ों, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका बिलास फिर से आज ही रहा है TH11 की सीरीज में, जो कि भाई बेहतरीन वाला सीरीज आप लोग के लिए लेकर आता है हमेशा। तो गाइस यार, आज हम लोग बात करने वाले क्या अपग्रेड करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भाई 39 दिन निकल चुके हैं और गाइस ये 40वां दिन है। और गाइस यार, ये 40वां दिन में हम लोग ने क्या क्या अपग्रेड किया आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल गाइस हमारे एक बिल्डर खाली भी हो गई है, तो आज मैं उसको लगाने भी वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ वो भी फिलहाल आज मैं वार का थोड़ा सा अपना दिखाने भी वाला हूँ, वॉर लीग का क्या कंडीशन है। तो लेट्स सी गाइस, सभी लोग सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बट यार उससे पहले गाइस, अगर आप लोग वीडियो पे न्यू हो, चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन दबा के रख लो, क्योंकि हम लोग 10K के बहुत ही करीब है। और गाइस हाँ, जिसको भी मेंबरशिप लेके सपोर्ट करना है तो प्लीज सपोर्ट करो, टारगेट है 50 मेंबरशिप का, तो जल्दी से जाओ मेंबरशिप। तो लेट्स सी एंड हम लोग बात करते हैं एंड अपग्रेड के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि यार हमारी क्वीन और भाई जो लगी हुई है, क्वीन लगी हुई है, एक बिल्डर खाली है, यहाँ पे 3 यहाँ लगा हुआ है, और भाई एक बिल्डर कहाँ लगा रे बाबा, एक एयर डिफेंस, एक क्वीन और एक ये और ये और एक बिल्डर खाली है। ठीक है, 5 ही बिल्डर होते हैं भाई, सॉरी। तो मेरे 5 बिल्डर एंड खाली है, जिसमें से 44 का अपना बारबेरियन हो चुका है, 13 का अपना वार्डन हो चुका है, बाकी गाइस यार विजार्ड टावर बाकी है, एयर डिपार्चर टावर हो चुके हैं पूरे के पूरे, कैनन भी कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद एयर स्वीपर भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मोर्टार भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइस यार सब कुछ देख रहे हो, मोर्टार भी 2 लेवल होते हैं, एक्स वो भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आर्मी कैंप, क्लेन क्रिस्टल, ये गोल्ड स्टोरेज, ये भी सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट ये स्टोरेज और ये स्टोरेज मैं नहीं किया, बिना इसके स्टोरेज किए बहुत सारे लोग यार टाइम स्पेंड इस पे करते TH11 पे जाने के बाद गाइस यार लोग इसको अपग्रेड करते हैं, पता नहीं क्यों, बट यार बिना इसको अपग्रेड किए मैंने पूरे डिफेंस को अपग्रेड किया है, आपके सामने किया है गाइस। और आप लोग यार पूरी मेरी सीरीज देख लोगे पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ट्रूप्स में मेरा ये 4 घंटे में खाली होने वाला है। ब्लू बूथ में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मुझे अटैक करना था मैंने वो किया था। ठीक है, बाकी आप लोग जो अटैक करना होगा आप लोग कर लेना, मैं इनविजिबल कर रहा हूँ, मुझे इनविजिबल अटैक भी करता हूँ एंड 11 से बैट स्पेल करता हूँ, बैट स्पेल अच्छा लगता है, हॉक राइडर करता हूँ, हॉक राइडर भी किया। अभी गाइस यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अपग्रेड करूं, ये आप लोग कमेंट में बता देना। इसको मैं लाइव स्ट्रीम पे करूंगा, 12 बजे मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूं, तो आप लोग आ जाएगा। बाकी यार गाइस मैं इसमें कौन सी चीजें अपग्रेड करनी चाहिए मुझे आप लोग कमेंट में बताना। तो अभी हम लोग बात करते हैं हम लोग को क्या चीजें लगानी है। तो गाइस यार मेरे पास 15 लाख है, बाकी वार के हम लोग कंडीशन दिखा देते हैं, हम लोग 67 स्टार भर चुके हैं। हाँ, हालांकि हमारे वार में थोड़े से एंड कंडीशन थोड़े बंदे ऐसे हैं जो कि 1 स्टार लाए, बट यार कोई उनकी कमी भी नहीं है एंड मैं उनको गलत भी नहीं बोला, होती है, सबसे होती है, मुझसे भी 1 स्टार होती है, एज अ कोई बात नहीं, डोंट माइंड। मैं प्लीज उन भाइयों से बोलूंगा कि थोड़ी अपनी अटैक की स्ट्रेटजी में सुधार लाएं, डिफेंस को देखकर अटैक की स्ट्रेटजी करें, बस मैं यही कहूंगा आप सभी को। और सब भाई जो भी बंदे अगर बिना अटैक की स्ट्रेटजी के, बिना डिफेंस को देखे आप जा रहे हो, तो वो दिक्कत है आप लोग के लिए। वैसे अब जैसे इस तरीके के बेस पे भाई इन्होंने एंड 65% लाया, कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी अटैक की स्ट्रेटजी लाई थी। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इन्होंने देखो सुपर मेनियंस, गोलम, विच बनाया था, ऐसी स्ट्रेटजी पे इन्होंने थोड़ा सा, इनको अगर 2 स्टार के लिए खेलना था तो ऑफकोर्स यार ये 2 स्टार यहाँ से तोड़ते और सीज मशीन डाल के सीधा घुस जाते भाई आराम से एंड 2 स्टार हो जाता। यहाँ पे लाइट स्पेल यूज डाला एंड मिनियन डाला, मिनियन से फनल, फिर बीच, मतलब इनका जो करने का स्ट्रेटजी, बट ये कहीं ना कहीं भूल गए थे कि यहाँ पे 2 स्केटर शॉट है जो भी 2 लेवल का है और 13 का मैक्स, तो ये विचेज को बहुत गंदा डैमेज देगी और यही सबसे बड़ा इनका गलतफहमी था, जो इन्होंने इस चीज को ध्यान ना देकर और एक्सपो को ना ध्यान देकर इन्होंने ऐसी अटैक की स्ट्रेटजी, इसके जगह ये हाई पावर वाली, मतलब हाई एंड ड्यूरेबिलिटी वाले एंड ट्रूप्स ले जाने चाहिए, जैसे पेक्का बॉलर एंड मतलब जो भी ऐसी ट्रूप्स हो जो 1-2 शॉट सह सके स्केटर शॉट, तो बेटर होता। आगे कुछ नहीं, अच्छी बात है इन्होंने गोलम बनाया था, बट गोलम बनाने का मतलब होता है पहले वॉल ब्रेक करना, तो यहाँ पे या तो वॉल ब्रेकर इनको 2 ले जाना चाहिए, 2 वॉल ब्रेकर छोड़ना चाहिए था दोनों साइड से और फिर गोलम छोड़ना चाहिए ताकि ये स्केटर शॉट गोलम पे बहक जाए और उसके बाद विच करना। तो ये था स्ट्रेटजी, थोड़ी बहुत दिक्कत थी और कुछ नहीं। आगे गाइज मैं आप लोग को अपनी अटैक की स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ। तो मेरी अटैक की स्ट्रेटजी भाई आप लोग को मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी अटैक की स्ट्रेटजी थी। सो यहाँ पे मैंने भाई 94% एंड भाई 13 के बेस पे निकाला था 11 से। ठीक है, यहाँ पे देखो एंड 11 से मैंने इस बेस पे निकाला था, हो गया था, टाइम फेल हुआ था, थोड़ी सी मैं फास्ट कर लेता हूँ। देखो ब्लीम मैंने बहुत अच्छी की थी, वैल्यू बहुत अच्छा मिला था मुझे, ओवरऑल बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ मिल गई थी।
बट यार गाइस क्या था, मुझे भी एंड स्केटर शॉट ने ही घटा दिया। बट मैंने ना गलती मेरी ये थी ना, मैं ड्रैगन को ध्यान नहीं दिया कि ओनली पास फुल ड्रैगन है, मेरे पास लून नहीं है। बट मैं करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास ही लून है। बाकी यार यहाँ पे मेरे बारबेरियन की एबिलिटी मेरी गलती पड़ी, बारबेरियन की एबिलिटी में फायर बॉल जो मैंने डालना चाहिए वो नहीं पड़ पाया था। बाकी ड्रैग अच्छा काम किए थे, ड्रैग ने बहुत अच्छा ओपी तरीके से किया था एंड रियली बहुत अच्छी परसेंटेज निकाले थे सारे के सारे ट्रूप्स मेरे। एंड दिस इज़ द परफेक्ट आउटस्टैंडिंग तरीके से मैंने सारे ट्रूप्स अच्छा काम किए थे और ड्रैगन भी अच्छा काम किया था। देख सकते हो कुछ बचा नहीं था वैसे डिफेंस में, टाइम पे फेल हुआ था ओवरऑल, बट कोई नहीं, मिस तो होती है, सर्विस होती है, मैंने बताया था सर्विस होती है। बाकी यार गाइस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक और बेस पे अटैक किया था जिसमें हमने मैं 12-11 से मैं 12 निकाला था एंड कहाँ गया यार रे बाबा, ये बाबा ये है, यहाँ पे मैंने 3-स्टार किया था और 11 से। सो ये स्ट्रेटजी भी देख लो, एंड पे का बैट एंड विच कोल एंड इनविजिबल के साथ देख रहे हो ना, इलेक्ट्रो और विच और बॉलर एंड आइस और चार पेका के साथ मैंने पहले बीच एंड ये क्या नाम है ब्लीम किया, ब्लीम से मैंने टीएच को लिया क्योंकि टीएच इसमें हैवी था और एक्सपो हैवी था और इन्फानो, तो मैंने ये तीनों चीज़ों एक साथ मैंने ले लिया। भाई सामने वाला बंदा भी सोच रहा होगा कि भाई ये बंदा 11 से एंड ब्लीम यूज कर रहा है, भाई तो ओवरऑल एंड हर कोई यूज कर सकता है, मैंने भाई आप ही यूज कर सकते हो, आप लोग को भी ये आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा अगर आप किसी बेस पे देख लो भाई कितना अच्छा वैल्यू मिल गया, ईगल तक मिल गया, ईगल जो हाईटेक था एक्सपो हाईटेक था सब कुछ मिल गया। बाकी यार ओवरऑल अब यहाँ पे बचा जो कि आप देखो, आप खुद ही देखो कि यहाँ पे जो भी चीज़ बचा है सारे के सारे हीरोज एंड ट्रूप्स इलेक्ट्रो और यहाँ से बॉलर अच्छा वैल्यू निकाले थे, बॉलर हमारे जो हिसाब से वैल्यू निकाले थे ना भाई गजब निकालते हैं एंड यार सबसे इंपॉर्टेंट बारबेरियन की जो एबिलिटी मारा मैंने ना वो बहुत खतरनाक थी, फिर वार्डन की एबिलिटी जो थी वो भी बहुत खतरनाक थी, मल्टी वो एक छक्के में तोड़ दिया। तो ये ओवरऑल एंड अटैक की शर्जी आप लोग टूट को बना के लेके जाया करो एंड यार हर जगह अलग अलग तरीके से डिफेंस पे अलग अलग तरीके से अलग अलग टूप यूज किया करो तभी जाके बेस निकल पाते। ओवरऑल 1 मिनट 28 मिनट के बाद हम लोग की मैच हो जाएगी और हम लोग रहेंगे टॉप 1 में और ये 100% आए हैं कि हम लोग टॉप 1 में रहने वाले। बाकी यार यहाँ पे 1 मिनट 18 सेकंड में हम लोग की एंड हो जाएगी तो मैं क्या लगाऊंगा ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस यार मैं आज लगाने वाला हूँ, देखो मैंने भाई भी यहाँ पे एयर डिफेंस मैंने सारे लग चुके हैं बस एक बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज एयर डिफेंस ही पूरी कंप्लीट कर दिया जाए और ये एयर डिफेंस अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो मेरे लिए पूरी पूरी ये कंपार्टमेंट खत्म हो जाएगी, बचेगा मुझे न्यू कंपार्टमेंट जैसे विजार्ड टावर हिडन टेस्ला, ये भाई न्यू कंपार्टमेंट होंगी तो इनको भाई मैं जब मेडल आएंगे तो वो बूस्ट मार के उस पे कर दूंगा। बाकी यार मेरा अप्रेंटिस वार्डन है, मैं मुझे किस पे लगाना चाहिए, मुझे इसी पे लगा देना चाहिए क्या, या इसी पे लगा दे 1 घंटा एंड डिस्काउंट तो मिल जाएगा, कम से कम 1 घंटा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये 23 24 एंड मतलब 22 हो जाएंगे तो 22 घंटे के अंतराल ये खत्म हो जाएगा। बाकी क्वीन मेरी लगी है 1 दिन 15 आवर्स के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, मेरा क्वीन भी 48 लेवल की हो जाएगी एंड फिर 2 लेवल भाई आई थिंक मैं अब देखो यार मेरे पास 40 दिन हो गए, 15 दिन बचे, 15 दिन में क्या मैं हीरोज विजार्ड टावर हिडन टेस्ला अपग्रेड कर पाऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओवरऑल मैं एक और अटैक करता हूं, चलता हूं लूट करने जब तक यार यहां पे एंड अभी तक वॉर जीत नहीं रहे तब तक हम लोग एक वॉर में अटैक कर लेते हैं, एक नॉर्मल अटैक करते हैं सो जिसपे लूट हो, कोई लूट मिल जा रही है बाबा, ओके ओके 6 लाख की लूट है भाई ओपी तरीके से। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रो डाला, यहाँ डाला और यहाँ पे गोलम डालूंगा भाई, ईगल तो देखो चालू होने से कोई मतलब नहीं, ईगल 1 लेवल का है ठीक है ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, वैसे तो चालू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी यार सीसी निकल चुकी है, बीच भी डाल दूंगा सीसी को ताकि मारे, और इलेक्ट्रो है भाई तो दिक्कत कुछ भी कर सकता है इलेक्ट्रो ठीक है, तो इलेक्ट्रो बहुत गंदा डैमेज देता है भाई, वार्डन की एबिलिटी देनी पड़ेगी ठीक है, और यहाँ पे बारबेरियन की एबिलिटी देनी पड़ेगी, यहाँ पे हिलअप देना पड़ेगा, पिक्का हमारा मरने वाला है, शहीद होने वाला है पिक्का, यहाँ पे देख सकते हो सिंगल इंफानो टारगेट में बच गया यार, बॉलर बचा लिए उसकी, शहीदी उसको बचा लिए भाई। चलो भाई टीएच को भी हम लोग ख़त्म करेंगे और यहाँ पे बारबेरियन की एबिलिटी में टीएच को ख़त्म, अबे रुक जाओ भाई हिल रहा है, इतना कंपन हो रहा है ना भाई टीएच, इतना कंपन हो रहा था कि एंड क्या बोलूं। चलो भाई यहाँ पे बारबेरियन और ये सब निकाल लेंगे अच्छा खासा, और यहाँ पे हम लोग बैट इसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी बूम बाप करेंगे ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का बैट स्पेल अच्छा जाएगा भाई, बैट स्पेल बहुत अच्छा काम करता है
ओवरऑल जैसा कि आप सब जानते हो कि बैट स्पेल का जो मायने रहता है वो भाई लास्ट समय पे ही निकालता है, और लास्ट समय पे जो वैल्यू निकालता है ना बैट स्पेल ही निकालता है। इसलिए बैट स्पेल स्टार्टिंग सून में 11 के हो, 10 के हो, या चाहे 12 के हो, तो बैट पे का अटैक करो सिंगल इन पानो पे, बहुत अच्छी अटैक स्ट्रेटजी होती है। तो नाइस वन, ये भी मेरा पैसा भर चुका है और यहाँ पे ये भी आ, तो लो भाई यहाँ पे भी इंड हो चुका है, वहां पे भी इंड हो चुका है। अभी गाइस यार मेरे पास पैसे ही पैसे है, तो मैं लगा देता हूँ यार, यही मुझे लगाना है, मैं इसी को लगा देता हूँ। एयर डिफेंस पैसे आ गए तो मैं एयर डिफेंस को ही लगा देता हूँ, अगर पैसे नहीं आते तो मैं एयर डिफेंस रहेगा। बाकी गाइस आज मेरे फुल एयर डिफेंस कंप्लीट हो गए, तो थैंक्स अ लॉट यार गाइस, आप सब जो सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए दिल से लव यू। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम एंड वार्डन लगाऊं कि ना लगाऊं मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो मैक्सर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।